नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकर्स वे पर। और आज का सेशन है जो कि खास सेशन है, और इस खास सेशन में हमारे साथ मौजूद है आकांक्षा, जिनका रिजल्ट अभी निकला है। आईबीपीएस क्लर्क मेंस का फाइनली शी इज सेलेक्टेड, और वो सेलेक्टेड है। सबसे पहले ढेर सारी बधाइयां आकांक्षा, आपको कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। तो आपने एग्जाम निकाला है, आप अब अपनी जर्नी जरूर बताइएगा, कैसे आपने स्टार्ट किया, कितना टाइम आपको लगा। जिस वीडियो को देखने वाले अभी लाखों लोग होंगे, जो इंस्पिरेशन होगा, जो कहीं भी अगर थोड़ा सा भी कोई भी स्टूडेंट डीमोरलाइज कहीं हो रहा होगा, उसको एक मोरल सपोर्ट मिलेगा। आप ही बताइए, कितने आपने एग्जाम दिए, कब से तैयारी कर रहे हैं, और कुछ लॉकडाउन का भी सर आपने मेरे को बताया, एग्जाम वो सब बताइए। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था इसमें, ठीक है, बट फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा ऐसे ही था कि सिर्फ देखना था मुझे। जब मैंने स्टार्ट बस किया ही था, मुझे मतलब कुछ भी नॉलेज नहीं थी। बस मेरे पापा ने कहा कि सिर्फ एक बार दे दो कि कैसा आता है, पैटर्न कैसा होता है, क्या होता है। उसमें मैंने दिया था उसमें, और उसके बाद भी मुझे जाने जहां मैंने ज्वाइन किया है कुछ था, मुझे सही गाइडेंस नहीं मिल पाया था। और मैंने ओके, ज्वाइन कर लिया, बट थोड़ा बहुत तो हुआ। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे यूट्यूब में वीडियोस देखने लगी टीचर्स की। फिर मुझे आप लोगों की, जैसे एक टीचर की मिली तो मुझे समझ में आया। फिर मैंने उसी में से टीम एवीपी, तो पूरे खुद ही कोई भी टीचर ज्वाइन करो तो टीम एवीपी तो सब एक साथ आ ही जाते हैं। तो बस मैंने फिर आप तीनों की वीडियो देखना शुरू किया, और उसके बाद ही लॉकडाउन मैंने पूरी मेहनत करके अपना सारा कुछ किया है। और उसके बाद ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा प्री रुक गया था 2 मार्क्स से, तो ओके, जिसकी वजह से मैं मेंस नहीं दी थी। उसके बाद ही मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, और ये फाइनली इसमें हो गया। फिर मेंस भी मैंने दिया, और मेंस भी फिर क्रैक हो गया बहुत बस। बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, ये तो अच्छी बात है। अभी मतलब मैं बताऊँ, आपसे पहले भी एक मैंने वीडियो बनाया था, तो जिस लड़के के साथ, उसने भी बोला कि सर जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो लॉकडाउन में बहुत मेहनत करी थी उस वक्त। अब आप ये हाँ बताओ, सर। क्योंकि लॉकडाउन में मैंने ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखी कि जहाँ पर स्टूडेंट शायद बहाने भी ढूंढ रहे थे, वहां पर कुछ स्टूडेंट थे जो कि नहीं लगे हुए थे, उन कुछ स्टूडेंट में से आप लोग थे, ये अच्छी बात है। लॉकडाउन में जी आपने क्या सोचा था कि मतलब सर। लॉकडाउन हो रखा है तो पढ़े क्या करें, मतलब ये एक्चुअली बताइए। एक्चुअली सर देखिए, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो मुझे पीछे से जैसे पुश नहीं, धक्का नहीं मारते रहते। अगर कहीं पे भी जरा सा भी डिमोटिवेट या कुछ हो तो, नहीं होगा क्यों नहीं, ये नहीं हुआ तो अगला होगा होगा, तो वो मोटिवेट करते हैं। और वैसे मुझे जो भी चाहिए होता है वो मुझे मिल जाता है। जैसे रिसोर्सेज या कुछ भी चाहिए वो मुझे मिल जाता है, ठीक है। बिकॉज मेरे पापा भी एक गवर्नमेंट जॉब से रिटायर किए हुए हैं, अच्छा, तो मुझे मिल जाती चीजें। पर उन्होंने कहा तुम्हें जो करना है वो करो, और ये टाइम बहुत ही क्रूशियल है। अगर ये टाइम तुमने अचीव कर लिया तो तुम कुछ ना कुछ कर लोगे, क्योंकि इस समय कुछ नहीं हो रहा, ना एग्जाम्स हो रहे हैं, ना तुम्हें कहीं जाना है, ना तुम्हें कुछ करना है। तो इसलिए इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। और मेरे भैया लोग भी ऑलरेडी बैंक में है, तो एक वो बैंक में ऑलरेडी मोटिवेशन है और मेरे। रहता हाँ है। सर, कजन है मेरे, मामा लोग के भैया लोग हैं, तीनों दीदी, दोनों भैया, दोनों सब लोग बैंक में है। तो वहां चलो, से भी थोड़े मोटिवेशन मिलता है कि वो लोग भी हैं तो मुझे भी कुछ करना है। तो बहुत बस बढ़िया, इसीलिए पूरा वो लॉकडाउन इसी में दे दिया था मैंने, सुबह से लेके शाम तक, जब तक क्लासेस चले और बाकी मुझे जो करना है पूरा लॉकडाउन में तो बहुत सारी क्लासेस हम लोगों ने करवाई रात थी। रात तक हो जाता था। हाँ, हाँ सर, तो सारी क्लासेस मैंने भी करी है। जब टेस्ट होता था सैटरडे संडे, तो सिर्फ दिन भर सैटरडे आपकी, फिर पुनीत सर की, फिर को। अरुण सर के सारे टेस्ट दे दे चलो, के बस बहुत सर यहाँ बढ़िया, तक पहुंच चलो बहुत बढ़िया। अब गए। मेरे कुछ सवाल हैं, वो बड़े कॉमन से सवाल हैं, हर एक स्टूडेंट के रहते हैं। सबसे पहले मैं जी इंग्लिश सर। इंग्लिश पूछूंगा, इंग्लिश आपकी कैसी थी पहले मुझे बताइए, मतलब आप एवरेज, सर बिलो एवरेज, पहले अबव एवरेज? एवरेज ही कहेंगे, बट तब भी सर आ जाते थे, मतलब 10th तक मार्क्स आ जाते थे। 10 तक आ जाते थे, फिर आपने कैसे इंप्रूव हाँ किया? सर। फिर सर यही वीडियो देखे आप लोग, जो जो कहते गए, जैसे क्वेश्चंस आप लोग देते थे या न्यूज़पेपर रीड करने को कहते थे, बस यही करते रहे और बस न्यूज़पेपर रीडिंग इम्प्रूव करने हो से गई। फायदा मिलता है? हाँ सर, मिलता है चलो ठीक मिलता है, है। चलो ठीक है। तो भैया दोस्तों, देख जी लेना, आपके पास सबूत मिलते हैं कि हाँ भैया मिलता है। जब हर एक स्टूडेंट बोलता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तो आप और मतलब फायदा मिलेगा। चलिए ठीक है, अरुण सा पुनीत सर अभी हमारे साथ में नहीं है, लेकिन आप अरुण सा पुनीत सर के बारे में बताइए, आपने जब रीजनिंग पढ़ा तो रीजनिंग में कैसे इंप्रूवमेंट, मैथ्स में कैसे इंप्रूवमेंट? सर देखिए, रीजनिंग तो मुझे पहले से भी थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट था, हाँ, पर जब अरुण, जब पुनीत सर आए तो सर इंटरेस्ट में भी बहुत, इतना इंटरेस्ट हो गया कि रात के 12 बजे तक जग के करने लग चलो रहे थे। ये बहुत इंटरेस्ट हो बढ़िया, गया था।
ये तो रहता ही और है, उनकी सबसे बड़ी मोटिवेशन जब उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ था या चोट पुलिस लगी थी, सर को। तब उन्होंने लेफ्ट हैंड से उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो जब वो हम लोग के लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो हम लोग अपने लिए तो कुछ ना कुछ कर ही सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल और वो बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि वो इतनी मेहनत कर सकते हैं तो हम लोग तो कर ही सकते हैं। तो बहुत बिल्कुल कोशिश की। और अरुण सर, तो मुझे तो मैथ्स वैसे भी नहीं अच्छी लगती थी, पर जब अरुण सर बिल्कुल आए, हलवा हलवा करते हुए सारी मैथ्स खिला दिए थे, बस है, हलवा ये हलवा करते हुए एक सारी मैथ्स आ गई। बहुत अच्छी बात है कि मतलब जब जहां मैथ्स में बिल्कुल इंटरेस्ट ना होते हुए भी आपने एग्जाम निकाल लिया। मैंने इसीलिए सर, मैंने 11th 12th में मैथ्स ली ही नहीं थी, मुझे अच्छा नहीं पढ़नी थी मैथ्स। पर फिर आई कि नहीं, मुझे बैंकिंग करनी है, और बैंकिंग करनी है तो उसमें मैथ्स भी पढ़नी पड़ेगी। और मेरे पापा मैथ्स पढ़ाते हैं, मतलब उनको मैथ्स आती है अच्छी, हाँ तो धीरे से मैंने कोशिश वहां से की थी। पर तब भी आजकल के पैटर्न का और पुराने पैटर्न्स का सर चेंज तो हो ही जाता है, जिस वजह से मुझे ज्वाइन करा। फिर मुझे अरुण सर मिले, तो उन्होंने क्या ट्रिक्स बता बता के बस करते करते बस इतने पहुंच गए थे। चलो बहुत बढ़िया। अब ये तो चलो ठीक है, आपने सीख गए, इंटरेस्ट भी आया, सीखने लग गए। एक दिक्कत आती है और उसका सवाल भी आप सवाल का जवाब दीजिएगा। जैसे प्रीलिम्स एग्जाम है, ठीक है, प्रीलिम्स की हमने जी तैयारी सर, कर ली। अब कई बार होता है प्रीलिम्स हमारा निकला या नहीं निकला, लेकिन प्रीलिम्स तो हम पढ़ चुके हैं, तो अब हमें मेंस का पढ़ना होता है या सर प्रीलिम्स प्रीलिम्स में ही छोड़ दिया है? आपने क्या किया था, मतलब सर सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग है। मैंने प्रीलिम्स का एक बार तो जैसे बेसिक बैच हो गया, ठीक वो है तो कर लिया और वो सब आ गया। उसके बाद सर मैंने फिर मेंस की जो क्लासेस चलती थी उसी में, बिकॉज जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुए, तब भी मेंस के क्वेश्चंस या कुछ कर सकते हैं। तो सर फिर मेंस की मैं करती थी, और उसके लिए जैसे कोई भी सेट है या कोई भी पेपर है नॉर्मल, वो बस उसके लिए प्रीलिम्स के लिए बस वही लगा रहे थे। उसके बाद सिर्फ मेंस का ही कर रहे थे। तो मतलब बेसिकली क्या है कि एक बार प्रीलिम्स का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद फिर मेंस पर ही फोकस किया जाए। हाँ सर, क्योंकि फिर बार बार वही कॉन्सेप्ट पढ़ने में मजा भी नहीं आता है, एग्जैक्टली तो और क्योंकि वो वो चीजें हो चुकी होती हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि वो फिर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कितनी बार पढ़ोगे। यही चीज दोस्तों हम हाँ लोग बताते हैं सर, आपको, और आपको हमेशा यही ध्यान रखना है, एक बार प्रीलिम्स पढ़ लिया सफिशियंट है, ना कम टू द मेंस। और मेंस की क्लासेस तकरीबन 4 साढ़े 4 महीने तक खूब सारी चलती रही है हाँ सर, वो सारी की है मैंने। सर ना। आपने शायद मेरा पढ़ा भी था, इतने टाइम में एक सिर्फ डिस्क्रिप्टिव आपने मेरा पढ़ा था, इतने टाइम से बेस्ट। वो हो जाता है क्योंकि सबके डिस्क्रिप्टिव आते हैं, सबके चेक करते 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 करते, तो बहुत अच्छा है, हाँ मुझे तो सर, बहुत पर बढ़िया एक बार आपने लग पढ़ लिया। रहा हाँ सर, है। डिस्क्रिप्टिव से याद आया, आपका अच्छा, आपका एक और एग्जाम निकला है ना, आरआरबी पीओ, RRBP। उसका आपका इंटरव्यू भी हो चुका है। हाँ सर, बहुत बढ़िया, कैसा हुआ है इंटरव्यू? इंटरव्यू सर सही हुआ था, मेरे हिसाब से तो सही हुआ था। चलो भैया, मेरी तो शुभकामनाएं, टीम एबीपी की शुभकामनाएं, आपका वो एग्जाम भी निकल जाए। फिर आपके पास चॉइस हो कि कौन सी बैंक चूज करनी है। अभी आपको कौन सी जी बैंक मिली है क्लर्क में? सर, अभी प्रथमा यूपी ग्रामीण प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक मिली है, और आप अभी बेसिकली लखनऊ से हैं। जी। चलो बहुत बढ़िया, और आपका शुभकामनाएं, हमारी तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। ये बताइए, जब आप प्लस में पढ़ते थे, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप, तो उसमें आप पैसे भी लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसका कुछ बेनिफिट वगैरह होता है कि क्या होता है, नॉर्मल हाँ है? सर, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इसमें हम लोग को वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, और कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है। अलग अलग कोर्सेज के लिए मुझे बार बार नहीं परचेस करना चलो पड़ेगा ठीक कि अब है ये फिर। कोर्स है, ये कोर्स है। और जो भी मुझे जैसे सारे डाउट्स मेंस में तो हमें दिक्कत होती है, क्योंकि हमें क्वेश्चन चाहिए होते हैं ज्यादा करने के लिए, और फिर उतना टाइम भी देना पड़ता है। तो जब एक क्लास 2 घंटे तक चलती है, तो सारे डाउट्स और सब कुछ क्लियर हो जाता ये है पॉइंट है, उसमें। पॉइंट है, पॉइंट है। तो वही है, चलो भैया बता यस, दिया, ऐसा कुछ नहीं कि सब्सक्रिप्शन है तो वो अलग चीज है। बात एक्चुअली पैसों की बात एक अलग होती है, कि पैसे का अलग चीज, मेन चीज होता है एंगेजमेंट, कि जब आपके साथ एंगेजमेंट बनता है मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, आपको एंगेजमेंट में मैक्सिमम कोशिश करवाई जा रही है कि आप कोशिश करो, पढ़ते रहो, मेंस तो मेंस पढ़ते रहो, प्रीलिम्स तो प्रीलिम्स, हर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज पढ़ते जाओ। जितना आप पढ़ लोगे, जितना ज्यादा एंगेज रहोगे, उतना जल्दी आप निकाल लोगे एग्जाम। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब जी और दीजिए आप। आपने पहले एग्जाम दिया था, तब आप जब फेल भी हुई होंगे एग्जाम में, आपका नहीं निकला होगा, तो डेफिनेटली बुरा लगता है, चाहे कुछ भी हो, उस वक्त आपके दिमाग में क्या आ रहा था, ये आप बताइए, क्योंकि बहुत से बच्चे बस यही जानना चाहते हैं, उस वक्त देखिए, आपको क्या लगता है? जब आया तो फिर नहीं निकला, या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से रुकता है तो और ज्यादा लगता है।
तो जब वो रुका उसके बाद सब मेरी फैमिली ना बहुत सपोर्टिव है, वो मुझे जहां भी हम गिरने लगते हैं वहां फिर उसको उठाना आता है, तो फिर बूस्ट अप करके फिर मुझे वहां पे ले आते हैं, और आप लोग के मोटिवेशन फिर से मोटिवेशन सुन लेते हैं, मोटिवेशन सुन के फिर खुद भी मोटिवेट होके और फिर आगे काम में जुट जाते हैं मतलब मैंने कि नहीं आकांक्षा आपसे हमें बात करी और आपसे बात करके आपके पॉइंट सुने, आपसे पूरी बात करने जी के बाद एक भी आपका पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो ऐसा हो कि मतलब इस दुनिया से अलग है कुछ, कि कुछ आप कुछ अलग ही कर रहे हो या आपके परिवार ने कुछ अलग किया या आपने कुछ अलग नहीं, सब नॉर्मल किया, बस कंसिस्टेंसी के साथ करना है सारी चीजें। जो आपने किया हर एक बच्चा कर सकता है, हर कोई कर सकता है। और कोई ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ने के लिए आपने कुछ अलग ही तोप मारी हो, आप भी वही पढ़ रहे थे जैसे सब पढ़ नहीं रहे थे, बस आप कंटिन्यूअसली पढ़ रहे थे। आप भी फेल हुए जहां दूसरे सर फेल होते हैं, बट आप फेल होने के बाद बाउंस बैक आपने किया, बाकी अगर नहीं करते तो पीछे हो जाता है। समय का आपने सही इस्तेमाल किया, बस मेन चीज ये है। तो हर कोई सिलेक्शन ले सकता है। आप अपनी तरफ से मुझे कुछ दोस्तों को, जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे अपनी तरफ से? आप यहाँ जरूर दें एडवाइस। सर देखिए, मैं तो एक एवरेज टाइप स्टूडेंट हूँ, जब मैं कोशिश कर सकती हूँ या आगे यहाँ तक पहुंच सकते हैं तो बस सभी पहुंच सकता है, बस ये बिल्कुल मानना है, क्योंकि हम लोग भी वही बस करते हैं, बस बिल्कुल बिल्कुल कॉन्स्टेंट आप लोग जो कहते रहो बस उसको आंख बंद करके फॉलो करते रहो और बस सब आगे बढ़ते रहो, चलो, बहुत बस बढ़िया बहुत यही बढ़िया बहुत बढ़िया। और टीम एवीबी की तरफ से, बैंकर्स रे अनअकैडमी की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई, ऑल दी बेस्ट है। आगे फ्यूचर में आपके जो भी थैंक यू एग्जाम आप दें वो एग्जाम आपका निकले और जिस पोस्ट में आप जाना चाहो उस पोस्ट में जाओ, आप बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। जी आप जैसे स्टूडेंट ही लाखों लोगों की इंस्पिरेशन होते हैं। अब इस वीडियो को देखने वाले लोग, कुछ लोग लाइव देखेंगे, कुछ लोग ऑफलाइन, कुछ लोग साल भर बाद, कुछ लोग कब देख रहे होंगे, बट ये हमेशा के लिए एक इंस्पिरेशन है दोस्तों आपके लिए कि एक एवरेज स्टूडेंट, आकांक्षा ने यहाँ पर जैसे बताया, वो जब कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? इजीली आप भी कर सकते हैं। आकांक्षा, ढेर सारी जी सर, थैंक शुभकामनाएं और थैंक यू जुड़ने के लिए यहाँ पर। यू, और दोस्तों आपके जो भी थैंक सवाल हैं, आप आकांक्षा से जो भी सवाल पूछना चाहते हैं कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आकांक्षा के साथ हम एक वीडियो और करेंगे जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ होंगे, तो हम उनके जवाब आकांक्षा से फिर से लेंगे। तो कमेंट करके आप जरूर जरूर बताइएगा जो भी आपके सवाल जो आपको आकांक्षा से पूछ रहे हैं। थैंक यू आकांक्षा हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू जी वेरी सर, मच। थैंक यू वेरी मच।